हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी तलाश में आप आए हो कि इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा सा लेक्चर हो जाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो जाए। तो उसी के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छी अच्छी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने के लिए रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है ना। बहुत ही कम टाइम में मैं पूरा टॉपिक क्लियर करूँगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने हमारी वीडियो को ध्यान से पढ़ लिया, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, आई गारंटी यू, ठीक है। और आप सिर्फ कंटेंट देख करके ही जस्ट मतलब जज करना, क्योंकि मैं सिर्फ किसी के बात में ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं मेरी बात में भी विश्वास मत करो, आप सिर्फ कंटेंट देखो, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगेगा आपको, टॉपिक्स अच्छा लगेगा ना, समझ में आएगा, तो भाई उससे बधी कोई भी अच्छा टीचर नहीं होता बच्चों, पता है आपको, टीचर कोई भी अच्छा नहीं होता। जिसकी भाषा आपको समझ में आ गई वो टीचर सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे जो आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल, हैंडसम सा चैनल, गो टू साइंस, और मैं हूं आपका शहबाज सर, और स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों कि पिछले लेक्चर में हमने एक्चुअली एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी को समझा रखा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली, तो उसका छोटा सा वीडियो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, इंट्रोडक्शन क्लास बता दिया है मैंने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर देख लीजिएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के बाद भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास से समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में हमने बताया था थोड़ा सा चार्ज के बारे में एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यही है उस वीडियो में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या होती है बच्चों, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है सर, तो चार्ज क्या होता है, जैसे मान लो मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है। अब इस पर अगर चार्ज आ जाए तो ये क्या करेगा, दूसरी बॉडी पर, किसी दूसरे बॉडी पर, चाहे वो चार्ज हो या अनचार्ज हो, से मतलब नहीं है, तो ये क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। मतलब चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो किसी दूसरी बॉडी पर क्या लगाना शुरू कर दे, फोर्स लगाना शुरू कर दे, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, चार्ज्ड बॉडी है। तो बच्चों चार्ज की ये प्रॉपर्टी, चार्ज इज द फॉर्म ऑफ, या चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है। ओके बच्चों, समझ में आ रही बात। अब हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो इस टॉपिक पर नहीं करेंगे बात, सिर्फ किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एक्चुअली करंट पर, यानी इलेक्ट्रिक करंट पे बात करेंगे बच्चों। किस पर, इलेक्ट्रिक करंट, जो समझ में या तो नहीं आता है या आ भी जाता है तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज दो तरह के होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, चार्ज दो तरह के, एक ऐसा चार्ज जो सर है तो इसके अंदर चार्ज, लेकिन क्या है, वो फ्लो नहीं कर पा रहा। जैसे आपने मार्कर को अपने है ना हेयर में रब किया, तो जैसे ही रब करोगे, रगड़ोगे आप इसको हेयर में, तो क्या होगा, इसके अंदर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जब इसके अंदर चार्ज क्रिएट होगा बच्चों, और मान लो कि ये इंसुलेटर है, और मार्कर वैसे भी इंसुलेटर होता है, इसमें कंडक्ट तो करेगा नहीं करंट, तो मतलब अगर चार्ज आ गया है सर, तो वो वहीं पर अगर रुका हुआ है, चार्ज आगे नहीं बढ़ रहा है, तो जब चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा, रुका हुआ चार्ज, तो ऐसे चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक। तो स्टैटिक चार्ज किस किस में होगा, जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा, उसके अंदर जो चार्ज क्रिएट, चार्ज प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज बोलेंगे बच्चों, उसे करंट नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या नहीं बोलेंगे, करंट नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलेंगे। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं सर, अब देखो, जैसे मान लो कि कोई वायर है, कोई तार है, जिसमें चार्ज क्रिएट हुआ, जब उसके अंदर चार्ज हुआ, तो जाहिर सी बात है वो कंडक्टर है, तो चार्ज वहां पर रुका नहीं रहेगा, वो चार्ज चलना शुरू कर देगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जब कोई चार्ज फ्लो करेगा भाई, कोई चार्ज जब किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर टाइम भी लगता है, जाहिर सी बात है, चार्ज अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो होकर आएंगे तो टाइम भी तो लगेगा। तो चार्ज के फ्लो होने का जो ये रेट है, टाइम के साथ जो ये चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी फ्लोइंग चार्ज का नाम होता है बच्चों, व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रिसिटी। समझ आई बात आपको, ये बात दिमाग में बैठ गई, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, सर तार में जो करंट फ्लो कर, मतलब वो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, इसी चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं सर, क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। कोई प्रॉब्लम बच्चों, करंट का मतलब होता है धारा, बहने वाला, फ्लो करने वाला, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई सर, देखो मैं पता है आपको जितनी डेफिनेशंस लिखवाऊंगा ना, डेफिनेशन से ही मैं फॉर्मूला रटवाता नहीं हूं, ध्यान रखना, आपको डेफिनेशन या फॉर्मूले में से कुछ भी याद रहे ना, डेफिनेशन याद है तो फॉर्मूला बना लोगे, फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन बना लोगे, सीरियसली बता रहा हूं। आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक करंट का है ना, इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है ना बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
चार्ज के फ्लो का रेट। बच्चों देखो ध्यान रखना, कभी भी मेरी क्लास में, कभी भी मेरी क्लास में कोई भी चैप्टर पढ़ो और मैं अगर किसी की डेफिनेशन में स्टार्टिंग में रेट लगा रहा हूं तो ध्यान देना, रेट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पता है आई सीरी नोट करते हैं, और रेट का मतलब होता है बच्चों, मैं आई का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, डेफिनेशन है खत्म, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, लगा दो आप, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेट का क्या मतलब होता है, मैं आई का यानी करंट का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, रेट मतलब होता है बच्चों डिवाइडेड बाई टाइम, किसी भी चीज का डिवाइड आप टाइम से करोगे ना तो वो उसका रेट कहलाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ किसका रेट है जरा देखना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अच्छा सर चार्ज का रेट है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, क्यू से, बन गया फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों यही है करंट का फॉर्मूला, ठीक है। देखो डेफिनेशन देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज मतलब क्यू, क्यू बाय टी इसका फॉर्मूला है, डेफिनेशन याद, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है यार, रटना नहीं है इसको, ठीक है, रटोगे भूल जाओगे, सीरियसली बता रहा हूं, करंट को आई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब करंट की एसआई यूनिट क्या है बच्चों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, क्या है एसआई यूनिट, करंट की एसआई यूनिट होती है बच्चों एम्पियर, क्या होती है बच्चों करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, ठीक है, इसको ए से डिनोट किया जाता है, ओके। कहीं पर अगर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ 5 एम्पियर, समझ लेना है किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू है, ठीक है ना, कहीं पर लिखा हुआ 5 एम्पियर किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू बच्चों इसकी। अच्छा अगर मैं कहूं कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, किसको, एक एम्पियर को डिफाइन करो, एक एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे भाई, करंट की जगह 1 एम्पियर रखना, देखो इसको भी रटो मत, इसको भी रटो मत, देखो ध्यान से करंट की जगह पे क्या रखना है बच्चों, सॉरी करंट की जगह क्या रखना है, 1 एम्पियर। अगर ये 1 एम्पियर आपको डिफाइन करना है, 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब है, तो जरा यहां से देखना, मैं यहां से लिख रहा हूं यहां पर 1 एम्पियर करंट, ठीक है सर, आई की जगह क्या रख दिया 1 एम्पियर, तो बताओ 1 कूलम्ब ऊपर होगा, 1 सेकंड नीचे होगा, मतलब अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे, 1 कूलम्ब चार्ज, ये तार है, ये वायर है, मान लो 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में से, 1 सेकंड हुआ 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड, 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड, 1 कूलम्ब चार्ज टिक सेकंड टिक, 1 कूलम्ब टिक 1 कूलम्ब, मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम कहते हैं कि अभी इस वायर में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है सर, तो 1 एम्पीयर करंट का क्या मतलब बच्चों, When 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, फ्लो इन 1 सेकंड। आप सबके घर में चार्जर तो होगा, चार्जर में उठा के देखना, वहां पर लिखा रहता है 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर लिखा रहता है, 2 एम्पियर लिखा रहता है, क्या मतलब है इसका, तो 2 एम्पियर चार्ज का मतलब ये है, 2 एम्पियर का मतलब वहां पर चार्जर में ये है बच्चों, कि जब आप फोन को चार्ज में लगाओगे ना, तो आपका जो चार्जर है वो आपके फोन को हर सेकंड 2 कूलम्ब चार्ज देगा, अगर 2 एम्पियर का चार्जर आपके घर में, अगर 3 एम्पियर का चार्जर है, इसका मतलब आपके फोन को वो चार्जर हर सेकंड 3 एम्पियर का यानी 3 कूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर करेगा। अगर कोई भी चीज 50 एम्पियर का है, मान लो एक कोई डिवाइस अब घर में लाओ, वो 50 एम्पियर का, इसका मतलब क्या, 50 कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में वो डिवाइस, उस डिवाइस के अंदर। तो आपको मतलब करंट का मीनिंग समझ में आ गया ना भाई, करंट का मतलब क्या होता है सर, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट ध्यान देना प्लीज, है 1 एम्पियर डिफाइन हो गया सर, बहुत अच्छी बात है। अब इसको डिवाइस, जो डिवाइस मेजर करता है करंट को, उस डिवाइस का नाम क्या बच्चों, तो डिवाइस है ना जो मेजरमेंट करता है, जो किसको क्या करता है भाई, जो करंट को मेजर करेगा, उसका नाम है बच्चों एमीटर। क्या नाम है, एमीटर, एमीटर। देखो मीटर लगा हुआ इसके अंदर, तो समझ लेना ये क्या करता होगा, ये क्या करता होगा, करंट को मेजर करता होगा। एमीटर को ऐसे दिखाते हैं, सिंबल उसका ऐसा होता है, सर्कल में ए लिख दो, दोनों तरफ एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लगा दो। तो बच्चों एमीटर जनरली क्या है, डिवाइस है जिससे करंट को मेजर करते हैं। अब इस एमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, तार में कैसे जोड़ेंगे, क्या तार के पैरेलल में जोड़ेंगे एमीटर को, या तार के सीरीज में ही जोड़ेंगे। पैरेलल मतलब, पैरेलल मतलब नीचे, सीरीज मतलब ऐसे सर, बिल्कुल एंड टू एंड। तो सर हमेशा ध्यान रखना कि एमीटर को जो है, एमीटर को जो है हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हमेशा ऑलवेज इन सीरीज, ऑलवेज इन सीरीज, ध्यान रखना ऑलवेज इन सीरीज। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, क्लियर है बच्चों। आपको बता दूं कि करंट दिखता तो वैसे वेक्टर क्वांटिटी है, पर ये वेक्टर नहीं होते, ध्यान रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है, मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो करंट के बारे में बच्चों बस इतनी ही सी बात आपको याद रखनी है, इतनी सी बात कि करंट क्या है। देखो पहले डेफिनेशन करंट की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा है ना फॉर्मूला इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी यहां से क्यू इक्वल टू आई टी, भी कभी कभी फॉर्मूला बना देते लोग, क्या बना देते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी भी बना देते हैं, कि सर ये भी एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है बच्चों, बस थोड़ा सा ना चार्ज के टर्म में लिख दिया इन्होंने, चार्ज का फॉर्मूला लिख दिया। ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों, एसआई यूनिट, यूनिट यूनिट दो बार लिखा गया, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट इज एम्पियर, है ना एम्पियर, एम्पियर मतलब ए से नोट करते हैं, कहीं पर 5 एम्पियर 10 एम्पियर लिखा, समझ लेना करंट की वैल्यू है।
सर वन एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? वन एम्पियर को डिफाइन करेंगे वन कूलम्ब पर वन सेकंड। क्या मतलब सर? कि व्हेन वन कूलम्ब चार्ज फ्लो इन वन सेकंड। आप अगर लिख रहे हो तो लिख भी लेना, व्हेन वन कूलम्ब चार्ज फ्लो इन वन सेकंड दैट इज कॉल्ड वन एम्पियर। वैसे नहीं भी लिखोगे लिखने की जरूरत नहीं, याद यार मैं याद करवा रहा हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं साथ में याद भी करवा रहा हूं, ठीक है। इतना सर डिवाइस जो मेजर करता है उसका नाम क्या है? सर एमीटर है, ठीक है। एमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? सर सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे बच्चों? सीरीज में कनेक्ट करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे पता है? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। बच्चों किसके बारे में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। चलो तो नेक्स्ट सेटिंग क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या है देखो देखो समझाता हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, जब पोटेंशियल की बात होती है जहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखो एक बार तो ये वायर है, मैं बार बार इसका एग्जांपल लेता हूं, ये वायर है और इस वायर में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस वायर में क्या कर रहा हूं मैं, एक कूलम चार्ज, फॉर एग्जांपल एक कूलम चार्ज यहां से यहां फ्लो कर रहा है, यहां से यहां फ्लो कर रहा है। या मैं ऐसा कह दूं कि देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये तार है, बहुत लंबी तार है ना, बहुत लंबी वायर है। एक कूलम चार्ज कहीं से आ रही है, कहीं से एक कूलम चार्ज यहां इस वायर में फ्लो कर रही है। तो एक कूलम चार्ज को लाने में, वो तो पार्टिकल है ना भाई, चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है ना कैरी कर रहे हैं चार्ज को। तो इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है, जो चार्ज आ रही है ना, तो वो चार्ज जब वहां से, कहां से आ रही नहीं पता सर, जब वहां से यहां पर आएगी तो जाहिर सी बात है एक वर्क होगा। कैसे सर वर्क कैसे होगा? देखो जब कोई पार्टिकल किसी भी जगह से आती है, जैसे मान लो कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, तो आपने अचानक से देख लिया कोई चीज नीचे आ रही है, आप ये तो समझो कि अच्छा उसे अर्थ अट्रैक्ट कर रही होगी, अर्थ फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह चल रही है, भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि कोई भी चीज अपनी जगह पर है तो वह हमेशा वहीं पर रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स काम ना करे। इसका मतलब अगर कोई चार्ज फ्लो करे किसी वायर में बच्चों, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लगा होगा, और जब फोर्स लगा है और वो फोर्स लगने के बाद वो कुछ दूरी तय करके आएगी इन्फिनिटी से, मान लो इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से अगर वो कोई दूरी तय करके आएगी, दूरी तय करेगी, डिस्टेंस तय करेगी, डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, तो बच्चों जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात हो वहां वर्क होता है। क्लास 9 चैप्टर नंबर आपका क्या नाम है 13 में पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, 12 या 13 में। तो कहने का मतलब वहां से क्या मिला हम लोगों को? वहां से ये मिला सर कि जो क्या नाम है वर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो मतलब सर यहां वर्क हो रहा है ना, पता है बच्चों इसी वर्क को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिखने में बड़ा टफ टॉपिक लगता सर, पता नहीं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, नहीं पता, समझ में आ गया आपको क्या है सर? ये कुछ नहीं है, इट इज अ वर्क डन। किस चीज का वर्क डन? जब चार्ज को किसी पॉइंट से, मान लो नहीं पता सर इन्फिनिटी से लाया गया है, किस पॉइंट तक? कोई फिक्स पॉइंट तक लाया गया है, तो कोई वर्क होगा और इसी वर्क का नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या है ध्यान से सुनना, डेफिनेशन, इट इज द वर्क डन, यहां से शुरू करना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट, समझ आई बात? इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आई बात बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यहां से एक टर्म अराइज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इसमें चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है। तो यहां से एक नया टर्म अराइज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप ही बताओ, यहां पर एक नया वर्ड आ गया डिफरेंस। बच्चों डिफरेंस जब ही होता है जब कोई एक और दो में कम से कम दो पॉइंट्स गिवन हो हमारे पास। मान लो मैं बोलूं आपको कि यहां पर आप एक बंदा था, एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल मान लो, उस पार्टिकल के पास यहां पर एनर्जी है 40 जूल और वो यहां से यहां आया, यहां पर एनर्जी उसके पास 60 जूल है, तो डिफरेंस कितना हुआ वर्क का? तो आप फौरन बता दोगे सर 60 - 40 फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क। तो भाई साहब 60 - 40 20 जूल वर्क होगा, वर्क मतलब वर्क का डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यही कि सर यहां पर क्या है, डेफिनेशन में थोड़ा चेंज है, यहां इससे थोड़ा डेफिनेशन में चेंज। क्या हम क्या बोल रहे थे अभी कि जो चार्ज है उसको कहां से लाएंगे? इन्फिनिटी से लाएंगे एक फिक्स पॉइंट तक। यहां पर यहां पर क्या बोलेंगे? व्हेन, या ऐसे बोलते इट इज अ वर्क डन, इज ऑल्सो वर्क डन, ये भी वर्क डन है, लेकिन यहां पर चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे, यहां पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट हम लोगों को नोन है कि कहां से चार्ज आ रही है और कहां जा रही है। सो क्या होगा यहां पर बच्चों, क्या होगा यहां पर, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? It is the work done in bringing unit charge from one point to another point. It is the work done in bringing unit charge from one point to another point. It is called potential difference. बस उस वाले definition से from one point to another point लग गया है। वहाँ पे क्या था? पीछे वाले definition from infinity to that point. तो क्या है बच्चों? It is the work done. क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? It is work done. ठीक है बच्चों? In bringing unit. चार्ज फ्रॉम, ठीक है, वन पॉइंट टू
अनदर पॉइंट टू अनदर पॉइंट. क्लियर बच्चों? जी सर बिल्कुल. अब इसकी इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं बच्चों, तो वी का फॉर्मूला क्या होगा, वी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो फिर से मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाओ. डेफिनेशन में क्या, इट इज अ वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग व्हाट, किसको लाने में सर, अच्छा सर यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब होता है वन, तो वन कूलम चार्ज, यानी चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा बच्चों, तो वर्क अपॉन में क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा. इसको बहुत जगह डब्ल्यू अपॉन में क्यू भी लिखते हैं, यानी कि वी का जो फॉर्मूला बन गया, नया फॉर्मूला जो बन गया सर वी का, वो हम कह सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है सर. इसकी एसआई, अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या है सर, इसकी एसआई यूनिट जो है बच्चों क्या है, वोल्ट होगा. इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट, ठीक है, मतलब वी से नोट कर लेते हैं. लिखा हुआ 5 वोल्ट, तो इसका मतलब ये वी की वैल्यू है बच्चों. इत्तेफाक की बात है कि इसको वी से नोट भी करते हैं और V इसकी असाइनमेंट भी होती है, मतलब वोल्ट इसकी असाइनमेंट भी होती है. अब यहाँ पर फिर सर सवाल ये बन जाता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज द 1 वोल्ट, मतलब मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है. देखो V की जगह 1 वोल्ट रखना है, ठीक है सर, रख दिया V की जगह 1 वोल्ट रख दिया. 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है. तो सर वर्क की जगह अगर मैं 1 जूल रख दूं, अपॉन नीचे चार्ज है 1 कूलम. बच्चों डेफिनेशन आपके सामने है, देखो डेफिनेशन बन गया, 1 वोल्ट वर्क डन, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा. 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्या मतलब इसका, कि जब 1 जूल वर्क करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज को लाने में. व्हेन 1 जूल इज वर्क इज डन, है ना, व्हेन 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. देखो सेम डेफिनेशन है, बस इसको समझ लेना है, फॉर्मूला समझ में आ गया, ये समझ में आ जाएगा. 1 वोल्ट वी की जगह क्या ले लिया, 1 वोल्ट, क्या मतलब सर, 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज, ठीक है सर. बोलेंगे कैसे, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस कॉल्ड 1 वोल्ट. ओके बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया सर. अब क्या है, अब सर इसको मेजर कर किससे करेंगे, तो मेजर किस डिवाइस से करते हैं, जो मेजरमेंट का डिवाइस होता है उस डिवाइस का नाम है बच्चों वोल्ट मीटर. क्या है, वोल्ट मीटर, ध्यान देना, वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाते हैं ना, वी लिख देंगे सर्कल में, ठीक है, ये वोल्ट मीटर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस. अब वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करेंगे, तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करेंगे बच्चों, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल में. वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं बच्चों हम लोग, क्योंकि पैरेलल इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि इसकी जो ना रेसिस्टेंस बहुत हाई होती है, मतलब इसमें करंट जल्दी फ्लो नहीं करता, तो उसको वायर के बीच में कनेक्ट नहीं करेंगे. अगर वायर के बीच में कर देंगे कनेक्ट कहीं पर, वायर को बीच से तोड़ करके, तो क्या होगा, करंट को बढ़ने नहीं देगा आगे. इसलिए इसको वायर में ना कनेक्ट करके उसके नीचे कनेक्ट करते हैं, ऐसे 2 वायर निकाल करके यहां से फिर नीचे कनेक्ट करते हैं, ताकि ये करंट इससे पास ना हो सके, यहीं से पास हो करंट. समझ रहे बात, बस इसका काम क्या है कि किसी भी 2 पॉइंट पे क्या मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करना. किसका काम है, किसका काम है, वोल्ट मीटर का काम है बच्चों. आई होप कि आपको इससे रिलेटेड समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है. पता है कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है बच्चों, तो बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है बैटरी. कौन करता है, बैटरी. बच्चों ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है, बैटरी. समझ आई बात, बैटरी असल ये बोलना है आपको, ठीक है. अगर मेजर की बात हो, मेजरमेंट कौन करता है, तो वोल्टमीटर. मेंटेन कौन करता है, तो बैटरी असल, बैटरी या फिर सेल, सेल के ग्रुप को बैटरी कहते हैं हम लोग. तो बच्चों ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. आई होप कि आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. अब बस छोटा सा है ना, अब एक और टॉपिक है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. एक बात हो, सर्किट तो आपके घर में भी है भाई, जो बल्ब वगैरह फैन वगैरह लगा हुआ है, एक क्या सर्किट ही तो है. सर्किट में कहीं बल्ब लगा दिया, कहीं फैन लगा दिया, तो सर्किट जो एक वायर से घिरा हुआ, सिर्फ वायर से बना होता है, तार से. तो सर्किट जो वो करंट का एक पाथ होता है, करंट का एक रास्ता. भाई आपके घर में करंट किस रास्ते से फ्लो करता है, आप बोलोगे सर हमारे वायर के थ्रू होते हुए जाता है ये करंट, तो मतलब सर्किट क्या है, इट इज द पाथ ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट. सो इट इज द कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है बच्चों, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन विच क्या कनेक्ट होता है इसके अंदर, इन विच वी कनेक्ट क्या बताओ, जो कनेक्ट करना, जैसे एमीटर कनेक्ट कर दिया हमने सर, जैसे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर, और क्या है ना, बल्ब,
है ना, सेल या बैटरी ये बोल दो आप, एंड स्विच, एंड की भी बोल सकते हो, स्विच को की भी बोलते हैं, ये सब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे सर? देखो ये क्या हमारा एमीटर है, देखो ऐसे लगा दिया हमने, क्या किया ये बैटरी बना दिया, ये सोर्स, ये सेल है, देखो ये बड़ा डंडा और छोटा डंडा मिलकर एक सेल बनाता है। अब बताओ दो सेल मिल गए, दो सेल मिलकर एक बैटरी हो जाता है, या तीन सेल मिल, तो ग्रुप ऑफ सेल बैटरी कहलाता है बच्चों। ये हमने क्या करा, सेल लगा दिया, फिर यहाँ पर हमने की लगाया, देखो अभी ऐसा है कि, देखो अभी ऐसा है कि, तो ये ओपन है बच्चों, और अगर बीच में हमने डॉट लगा दिया तो ये क्लोज्ड हो, मतलब वायर अभी अटैच्ड है, मतलब ऑन है, स्विच ऑन है अभी। तो ये क्या है, एक बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अच्छा, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। चलो सर यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एक बल्ब, छोटा सा क्या लगाते हैं, एक बल्ब लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, एक बल्ब लगाते हैं, ठीक है सर। तो ये हमने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ओके। और बल्ब से ही नीचे पैरेलल में क्या लगाया हमने, वोल्ट मीटर लगाया, क्या लगाया, वोल्ट मीटर, बताया था हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं, तो एमीटर क्या है, सीरीज में है ना, वोल्ट मीटर पैरेलल में। और हमने इसको क्या करा, यहां से कुछ भी आप लगा सकते हो, बल्ब वगैरह और भी कुछ, लेकिन हमने क्या करा, इसको सीधा ज्वाइन कर दिया की से। तो इस तरह से हमने क्या करा, की में भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट की वैल्यू हमेशा, करंट आई यहां से फ्लो कर रहा है, यहां से फ्लो कर रहा है, करंट आई यहां से फ्लो कर रहा है, करंट इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, बल्ब में। तो ये आई जाते जाते सर्किट क्या हो जाएगा, यहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्किट क्या है, इट इज द कंटिन्यूअस पाथ, यानी क्लोज्ड पाथ है, एक तरह का क्लोज्ड पाथ है, ये बल्ब है, ध्यान रखिएगा क्या है, ये बल्ब है, ठीक है। तो इट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन विच वी कनेक्ट एमीटर, वोल्टमीटर है ना, बैटरी है ना, या फिर सेल बोल दो इसको, एंड की, बैटरी या फिर है ना बल्ब भी बोल सकते हो, बल्ब सेल एंड की। तो ये सारी चीज हम कनेक्ट करते हैं बच्चों, यही है इलेक्ट्रिक सर्किट और उसकी डेफिनेशन। कुछ प्रॉब्लम इसमें बताओ, अगर प्रॉब्लम आए ना सीधा कमेंट कर दो, कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है पूरा, जब मर्जी तब आप कमेंट करके बताओ कि सर यहां दिक्कत है, यहां समझ नहीं आ रही, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कोई दूसरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ डाउट्स का ही बना दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, आप बता दिया करो, ठीक है, कमेंट में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, क्या बच्चों, ओम्स लॉ, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, और है भी, क्योंकि ये एक ऐसा लॉ है पूरे इलेक्ट्रिसिटी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में यहाँ से। तो व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ बच्चों, एक्चुअली अब तक आपने क्या पढ़ा, आपने अब तक V पढ़ा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I पढ़ा, करंट पढ़ा, ठीक है, उससे पहले आपने चार्ज पढ़ा था, चार्ज, तो पता है V और I के बीच एक रिलेशन देता है, कौन, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V यानी पोटेंशियल डिफरेंस और I के बीच एक रिलेशन देता है, कि एक वायर में पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर रहे थे, एक वायर में हम लोग करंट भी मेजर कर रहे हैं, इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमें कौन देगा, ओम्स लॉ देगा बच्चों। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, पहले देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट को, इट स्टेट्स दैट, क्या लिखेंगे बच्चों, इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली है ना प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है, एट अ गिवन टेंपरेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब फिक्स टेम्परेचर पे बच्चों, ध्यान रखना, फिक्स टेम्परेचर का क्या मतलब है, देखो पहले मतलब समझाओ इसको, इसका मतलब समझो, इट स्टेट्स है, कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब सर V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बच्चों कैसा होता है, ऐसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट मतलब क्या होगा सर, I, मतलब V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, अच्छा सर ऐसा, ठीक है, ओके। गिवन टेम्परेचर मतलब कि जब कभी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, कभी भी कहीं भी आप जाओगे बाकी क्लास में तो एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, हमने करा है, तो हमें टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो आपने क्या कर रखा था, मतलब उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं था, तो आपने क्या कर रहा था कि एसी ऑन कर रखा था, एसी ऑन कर रखा था, तो अभी टेम्परेचर कितना था रूम का भाई, जाहिर सी बात है एसी में मिनिमम टेम्परेचर मान लो आप 16 डिग्री सेल्सियस आपने लगा रखा था, 16 डिग्री सेल्सियस पर आपने टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, बीच में आपने एक्सपेरिमेंट करते करते बहुत गर्मी लगने लगी, आपने क्या करा एसी बंद कर दिया खट से, अब एसी बंद किया तो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब जो कि 40 के आसपास हो जाएगा। अब आप ही बताओ एक जून जुलाई की है ना टाइम पे नॉर्मल टेम्परेचर 40 के आसपास है, और शुरू कब किया था एक्सपेरिमेंट आपने, 16 पे। अब आप खुद सोचो कि कितना बड़ा वेरिएशन आ गया टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर वेरी करने की वजह से आपके रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब आप इसकी वैल्यू सही से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आप इन दोनों में रिलेशन सही से रख नहीं पाओगे, इन दोनों में रिलेशन सही से बता नहीं पाओगे, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, किस मतलब आपको वर्ड में बताऊं, ठीक है। तो आप टेम्परेचर का मतलब ये है, फिक्स टेम्परेचर का मतलब। चलो सर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक इक्वल आएगा, इक्वल के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट आता है, वो कॉन्स्टेंट है आर, यहां पर बच्चों क्या है आर है, कहीं कहीं ये भी लिख रहा था कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, फर्क क्या है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी में, देखो वी यहां पर
आर है और आई ऑलरेडी है, तो देखो वी बराबर क्या आ गया, आई आर आ गया यहां पर, ठीक है सर, ओके। यहां पर एक एक्सप्रेशन हमने दिखा दिया, क्या एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ बोले क्या है, तो इसमें से ये ओम्स लॉ है, दिस नॉट ओम्स लॉ, ये तो एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का, ये तो एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा कहीं कहीं ओम्स लॉ में ये लिखा रहेगा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका क्या मतलब सर, आई बराबर है ना, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो कॉन्स्टेंट लगे आर नहीं लगे, यहां पर लगे वन अपॉन आर, क्योंकि इस बार आपने कहा था वी प्रोपोर्शनल टू आई, यहां का आपने कहा आई प्रोपोर्शनल टू वी, तो वन वन अपॉन आर लेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा आई, अब आप बताओ खुद, सॉरी वी हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा वी, ये वी उतर जाएगा ऊपर से वी हो जाएगा सर, अब यहां से वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर का मल्टीप्लाई आई से करो तो आई इंटू में आर, तो आर सेम चीज रहा, देखो सेम चीज आ रहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक चीज याद रखो, ठीक है, क्या याद रखोगे सर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ठीक है, मतलब v सीधा सीधा i पर डिपेंड करता है, मतलब समझाता हूं मैं इसका, रुक जाओ, मतलब इसका ये है बच्चों कि अगर v बढ़ेगा, अगर किसी वायर में किसी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ रही है, किसकी वैल्यू बढ़ रही है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब उसमें करंट भी बढ़ेगा, मतलब मान लो कि अभी पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो 110 वोल्ट, कितना है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, और अगर आपने उसको इंक्रीज कर दिया तो उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, मान लो अभी अभी वायर के अंदर 110 वोल्ट और करंट है 10 एम्पियर, कितना एम्पियर करंट है 10 एम्पियर, और अभी आपने पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे ही चेंज किया यानी 110 के बजाय 220 कर दिया 220 कर दिया तो करंट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है भाई, तो इसका मतलब यह है कि वी इंक्रीज करेगा आई इंक्रीज करेगा, वी डिक्रीज करेगा आई भी डिक्रीज करेगा सर, जाहिर सी बात है, लेकिन कांस्टेंट क्या है बच्चों, यहां पर कांस्टेंट है आर, अब ये आर क्या है, तो ओम ने कहा था आर का नाम होगा रेसिस्टेंस, क्या होगा बच्चों रेसिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम क्या होता है रेसिस्टेंस, इंग्लिश में तो वैसे इसका नाम होता है रुकावट, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है रुकावट, तो भाई यहां पर रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, यहां पर रेसिस्टेंस क्या है, तो अब रेसिस्टेंस की कहानी चलेगी बच्चों, लेकिन उससे पहले बताओ रेसिस्टेंस की कहानी अब स्टार्ट करूंगा मैं बाद में, लेकिन ये बताओ इससे ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के, क्या मतलब, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा करंट भी घटेगा, पर कांस्टेंट क्या रहेगा, यहां पर कांस्टेंट रहेगा आर, रेसिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बच्चों कांस्टेंट रहेगी, रेसिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है समझ में आ रही बात, ओके। अच्छा यहां से बहुत 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 लोग फॉर्मूलाज है ना अलग अलग बनाते हैं, जैसे वी इक्वल्स टू आई आर है तो आई इक्वल्स टू यहां पर लिख देते हैं, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताना, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है करंट का, फिर कहते हैं सर मैं यहां से आर की वैल्यू भी लिख सकता हूं वी अपॉन में आई, ये ना आर, आर क्या होता है वी अपॉन में आई, आर की वैल्यू क्या हो जाए वी अपॉन, मतलब अलग अलग फॉर्मूलाज यहां से बन सकते हैं। अब बच्चों ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होता है सर, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक क्वेश्चन तो रखा रहेगा ग्राफ, भाई हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ होगा बच्चों वो हमेशा ऊपर वी रखना है नीचे आई रखना है, ध्यान रखना है, अगर नीचे वी ऊपर आई हो सकता है कि नीचे वी हो ऊपर आई हो, लेकिन जब हम बनाए ना तो ऊपर वी रखा करो और नीचे आई रखा करो, वाई एक्सिस पे वी एक्स एक्सिस पे आई, तो इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, मैथमेटिक्स में जब भी कभी ऐसा रिलेशन हो किसी भी दो क्वांटिटी के बीच, कैसा रिलेशन, प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, सीधा ग्राफ आता है, तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, नेचर, तो नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ का मतलब है कि हमेशा क्या होगा स्ट्रेट लाइन, आपको लिख के आना पेपर में क्या लिख के आना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों समझ में आ रही बात, तो नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर पता है यहां पर पूछा जाएगा आपसे कि स्लोप क्या देता है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या देगा हमें, तो स्लोप पता है स्लोप का मतलब होता है बच्चों वाई अपॉन एक्स एक्सिस, यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, वाई में क्या चेंज है, क्या मतलब सर वाई वाई अपॉन एक्स या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों वी, तो वी में चेंज, मान लो कि आपको उसने दे दिया यहां पर एक पॉइंट है, ध्यान देना प्लीज यहां पर एक पॉइंट है, अब यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी मान लो आई वन होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी यानी वी वन होगी, ठीक है देखो नीचे मान लो एक्स की वैल्यू क्या है आई वन और वी की वैल्यू क्या है वी वन, ठीक समझ आ रही बात क्लियर है, v की वैल्यू है v1 और एक और पॉइंट हमने यहां ले लिया, यहां ले लिया x की वैल्यू क्या हो जाएगी i2, x पर i है तो i2 और कॉमा v की वैल्यू क्या हो जाएगी v2, यानी इस पॉइंट पर सर ये i2 हो जाएगी और v क्या होगी v2 हो जाएगी, आपसे बोल दिया कि बताओ दो पॉइंट दे दिया आपको किसी ने और बोला कि बताओ रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके देखो या इसका स्लोप फाइंड करो, स्लोप का मतलब होता है यहां पर ध्यान देना बच्चों v2 माइनस v1, देखो v2 माइनस में v1, देखो y में चेंज दिखाया आपने, y एक्सिस पे v है ना तो y में चेंज दिखाया है, ट्रायंगल का मतलब चेंज होता है ध्यान रखना, तो v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1, आप बताओ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस में से पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो आएगा, मतलब टोटल v आएगा, और i2 माइनस i1 घटाओगे तो i ही तो आएगा माइनस करके, और v अपॉन i होता क्या देखना जरा, v अपॉन i क्या होता है, v अपॉन i क्या होता है बताना जरा, r होता है सर, अच्छा इसका मतलब ओम्स लॉ के ग्राफ का स्लोप क्या देता है हम लोगों को, r की वैल्यू देता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू देता है, फिर से बोल रहा ध्यान रखना, स्लोप पूछे आपसे, क्या पूछे ग्राफ देखे स्लोप, आपको दो पॉइंट दे देगा, आप स्लोप का मतलब आपको रट लेना, ध्यान रखना इस चीज को कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, अब यहां पर y पे कौन है v, तो v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1, कैसे यहां पर v की
की वैल्यू और V1 की वैल्यू होगी, V2 V1 की वैल्यू। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है ना, 2 है तो 3 माइनस 2 है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है तो 5 माइनस 4, ऐसे ही करना है। V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, ठीक है। और V2 माइनस V1 क्या होता है, V होता है, I2 माइनस I1 क्या होता है, I होता है। भाई 5 एम्पियर में से 3 एम्पियर घटाओगे तो 2 ही एम्पियर आएगा ना, करंट की ही तो वैल्यू मिलेगी। तो I2 में से I1 घटाओगे तो I ही तो मिलेगा, करंट ही तो मिलेगा। और V अपॉन I क्या होता है बच्चों, R होता है, यानी रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है। समझ आएगी बात बच्चों, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वी आई है यहां पर और आपको ऐसा लाइन दे देगा, ऐसा लाइन दे देगा, ये बोलेगा ए ये है बी है, आप बताइए दोनों में से किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ए की रेजिस्टेंस ज्यादा बी की रेजिस्टेंस ज्यादा। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि स्लोप का एक और मतलब होता है, क्या मतलब होता है स्लोप का एक और मतलब होता है, ध्यान देना, स्लोप का एक और क्या मतलब होता है, एंगल ऑफ ग्राफ, ध्यान देना, एंगल ऑफ ग्राफ, एंगल ऑफ ग्राफ विद विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या मतलब, जैसे देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ देख रहे हो आप, ये ग्राफ, तो इस ग्राफ का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है, ये एंगल भी हम लोगों को देता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब जितना बड़ा एंगल उसका रेजिस्टेंस बड़ा, छोटा एंगल तो रेजिस्टेंस छोटा। आप बताओ ए का एंगल बड़ा है या बी का एंगल बड़ा है, आप बताओ बी का एंगल बड़ा या ए का एंगल बड़ा, बच्चों बी का एंगल जाहिर सी बात है बड़ा लग रहा है, तो बी का एंगल बड़ा इसलिए बी का ग्राफ भी क्या होगा बच्चों, मतलब बी का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। बच्चों पता है मैं क्यों बता रहा हूं, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। अच्छा अगर ऐसा हो कि वी, अब इस सिचुएशन सेम सिचुएशन पूछता हूं मैं आपको कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, और वी को यहां से हटा के आई कर देता हूं और आई को यहां से हटा के वी कर देता हूं, बच्चों उल्टा हो जाएगा, यहां पर आर ए बड़ा हो जाएगा आर बी छोटा हो जाएगा, आर ए बड़ा हो जाएगा आर बी छोटा हो जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा आपको ये सब चीज, तो ये पेपर में कई बार पूछा गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा और अब चाहो तो नोट डाउन कर लेना इस चीज को। ओम्स लॉ के बारे में ये सारे कॉन्सेप्ट्स पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्या होता है स्लोप ऑफ ओम्स लॉ का ग्राफ क्या देता है, स्लोप ओम्स लॉ ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। आपको आपको एक रीडिंग दे दिया, उसने एक्स वाई की वैल्यू दे दी और बोलेगा बताओ ग्राफ ड्रॉ करो और वी और आई के बीच वी वाई एक्सिस पे लेना है और आई जो है वो क्या लेना, वी वाई एक्सिस पे, वी वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वी और एक्स एक्सिस पे क्या लेना आई, बोलेगा इसके इस ग्राफ का रेसिस्टेंस निकालो, रेसिस्टेंस मतलब अच्छा आपका फटाफट क्या करना आप स्लोप निकाल देना इस ग्राफ, कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेना, दो पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मूला लगा देना V2 minus V1 X2 minus X1 I2 minus I1, क्या आ जाएगा वहां पर रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है, देखना वहां पर आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ना हो तो कमेंट में कमेंट सेक्शन में बता देना चीज। तो ये था हमारा बच्चों ओम्स लॉ, क्या था ये ओम्स लॉ, ठीक है। आई होप कि ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब किसकी कहानी चलेगी बच्चों, किसकी कहानी चलेगी, रेजिस्टेंस की कहानी चलेगी। सर व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो बच्चों ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या, देखो वैसे रेसिस्टेंस जो है ना वो प्रॉपर्टी का नाम है। एक बात बताओ आप लोग क्यों कहते हो या हम सब क्यों कहते हैं कि कॉपर वायर जो है ना वो ज्यादा अच्छा है एल्युमिनियम वायर से, वाई आप क्यों कहते हो ऐसा, क्योंकि कॉपर वायर में करंट अच्छे से फ्लो करता है, एल्युमिनियम वायर में करंट उतनी अच्छे से फ्लो नहीं करता। मतलब करंट के मामले में देखा जाए तो कॉपर वायर में ज्यादा करंट फ्लो करता है, एल्युमिनियम वायर में करंट उतने अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम वायर में कहीं ना कहीं सर रुकावट है, करंट का रुकावट है। तो इस रुकावट की प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब जितने भी कंडक्टर्स दुनिया में बने हुए हैं, हर सारे कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ करंट को रोकने की एबिलिटी होती है, करंट किसी में बहुत ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है, कि जिसमें जितना ज्यादा करंट को रोकने की एबिलिटी कम होगी, मतलब जिसमें जितनी कम रेसिस्टेंस होगी उसमें करंट बहुत अच्छे से फ्लो करेगा। जैसे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों माना जाता है भाई, क्योंकि सिल्वर की रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ही कम होती है सिल्वर की रेसिस्टेंस, रुकावट बहुत कम होते हैं, इस वजह से उसके अंदर करंट बहुत अच्छे से फ्लो कर पाता है बच्चों, समझ आ रही बात। तो रेसिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी, नेचुरल है, नेचुरल चीज है, ये सब में होता है, इट इज द है ना प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच, बाय विच, ठीक है, इट अपोज द, बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट, बच्चों यही कहलाता है, क्या ये कहलाता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को वैसे आर से डिनोट करते हैं, वैसे लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जा रही है, कोई बात नहीं लिख लो, है ना, लिखने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, बता देना कमेंट में ध्यान से। हाँ चलिए, तो अपोज द, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ओके ठीक है सर, ओके। अच्छा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अभी कभी देखा था रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन में आई होता है, क्या होता है, वी अपॉन में आई होता है बच्चों, समझ आ रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। एसआई यूनिट क्या होती है सर, सब में पढ़ते हैं हम लोग ये चीज, तो इसमें भी पढ़ लेते हैं। एसआई यूनिट इज ओम, एक्चुअली ओम ने अपने ही नाम पर इसकी एसआई यूनिट रख दी थी ओम, जिसको हम किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं, ऐसे इस सिंबल से दिखाते हैं ओमेगा, कहीं पर लिखा हुआ है अगर 5 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम कुछ भी लिखा हुआ है तो समझ लेना है किसकी वैल्यू है बच्चों, ये आर की वैल्यू है, समझ आ रही बात, क्लियर है, ओके सर।
ठीक है, आर हो गया सर, इसकी एसआई यूनिट हो गया। अब इसको मेजर करने वाले डिवाइस का नाम क्या है? एक डिवाइस है जो इसको मेजर करता है, उस डिवाइस का नाम क्या है? तो बच्चों उस डिवाइस का नाम है रेसिस्टर। क्या है बच्चों? रेसिस्टर। रेसिस्टर इसको मेजर करता है, लेकिन ये कहना सही नहीं है, मेजर नहीं करता। पता, रेसिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या मतलब सर? देखो ये कॉपर वायर है, मान लेते हैं कॉपर वायर है, ठीक है, ये कॉपर वायर हमने लगा रखा है सर्किट में, इसमें करंट फ्लो कर रहा था मान लो 10 एम्पीयर का। जाहिर सी बात है कॉपर वायर है, इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या इसके अंदर अभी रेसिस्टेंस होगी? नेचुरली, मतलब नेचुरली तो होती है, सबके अंदर रेसिस्टेंस थोड़ी थोड़ी होती है सर। तो सर इसके अंदर भी रेसिस्टेंस होगी, थोड़ी ना थोड़ी रेसिस्टेंस इसके अंदर है अभी सर, ठीक है। लेकिन हमारा दिल कर रहा है कि यार हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर मुझे और थोड़ी रेसिस्टेंस चाहिए, तो तुम बोलो सर एल्युमिनियम वायर यूज कर लो। भाई एल्युमिनियम वायर में तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, हमें थोड़ी कम रेसिस्टेंस चाहिए। तो आप जब आपको जब इस कॉपर वायर में थोड़ी और ज्यादा रेसिस्टेंस चाहिए, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? मार्केट जाओगे, शॉपकीपर से लेके आओगे रेसिस्टर। रेसिस्टर इतने बड़ा वायर में होता है लगा हुआ, तो रेसिस्टर लाके इसमें कनेक्ट करोगे, 5 ओम का, 6 ओम का, जो मांगोगे वो दे देगा। आप बोलोगे मुझे 5 ओम का रेसिस्टर चाहिए, आपको वो 5 ओम का दे देगा, ठीक है। तो आप रेसिस्टर ला करके क्या करोगे? इसमें लगा दोगे। जैसे रेसिस्टर लाके इसमें लगाओगे तो आपकी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो उसी रेसिस्टर, उसी डिवाइस को क्या बोलते हैं? हम रेसिस्टर बोलते हैं। तो रेसिस्टर क्या कर रहे हैं बच्चों? मेजर कर रहे हैं? नहीं सर, प्रोवाइड कर रहे हैं। इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस। सर ये रेसिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस देते हैं सर ये कंडक्टर को, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। तो अब रेसिस्टर को है ना, रेसिस्टर को दिखाते हैं कैसे? रेसिस्टेंस को दिखाते हैं सर ऐसे, रेसिस्टर को ऐसे दिखाते हैं। क्लियर है बच्चों? रेसिस्टर को कैसे दिखाते हैं? ऐसे, है ना, ऐसे दिखाते हैं रेसिस्टर को, और यहाँ पे आर लिखा रहता है, ध्यान रखना। तो ये रेसिस्टर है बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है सर, ये रेसिस्टर है, ठीक है, रेसिस्टर को ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, अब सर क्या है, एक और टर्म आता है निकल के, ये हो गया रेसिस्टेंस, ये क्या है? रेसिस्टर। अब देखो आपके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है, आप मान लो शॉप से गए, 5 ओम का रेसिस्टर लेके आए, आपने 5 ओम का रेसिस्टर में फिट किया, आपने देखा यार अभी 2 ओम और कम रह रहे हैं, मुझे 2 ओम का और चाहिए था। फिर मार्केट जाओगे, फिर 2 ओम वाला होगा, फिर लेगा यार थोड़ा सा डिफरेंस अब भी आ रहा है, मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा, अभी और रेसिस्टर की जरूरत है। तो इस झंझट से बचने के लिए आप क्या सोचोगे, आपके दिमाग में क्या कीड़ा जगेगा पता है? आप सोचोगे यार कोई ऐसा रेसिस्टर आता मार्केट में जिसमें सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू होती, वह अपने हिसाब से सेट कर सकता था उसके अंदर, काश अपने हिसाब से सेट कर लेता उसके अंदर। तो भाई क्या है, मार्केट में ऐसे भी अवेलेबल है, ऐसे भी रेसिस्टर है हमारे पास जिसमें नंबरिंग लिखी होती है और उसमें सेट करने के लिए होता है, आप जहां मर्जी वहां सेट कर दो, जितनी मर्जी उतनी सेट कर दो आप उसके अंदर। और ऐसे रेसिस्टर का नाम होता है रियोस्टेट। क्या नाम होता है बच्चों? रियोस्टेट। तो एक तो हो गया रेसिस्टर, अब है क्या? रियोस्टेट। ये क्या है बच्चों? रियोस्टेट। क्यों जरूरत पड़ी इस रियोस्टेट की बच्चों? रियोस्टेट जो हमारा वो क्या है? ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल रेसिस्टेंस है। रियोस्टेट क्या है बच्चों? वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस अपने हिसाब से इसमें फिट कर सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से इसके अंदर सेट कर सकता है रेसिस्टेंस की वैल्यू को, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट कहा जाता है। अब रियोस्टेट का सिंबल क्या होता है भाई? रियोस्टेट का सिंबल बच्चों ऐसा होता है, देखो ऐसे एरो बनाओ, रियोस्टेट का सिंबल होता है ऐसे एरो बनाओ, पहले रेसिस्टर, देखो रेसिस्टर का सिंबल है, तो अब इसी रेसिस्टर के सिंबल में एक ऐसे एरो बना दो, ठीक है, ऐसे, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। एक और सिंबल आता है रियोस्टेट का, एक और सिंबल है, देखो एक और सिंबल है ऐसा, एक ये भी तरीका रियोस्टेट का, देखो आप पहले रेसिस्टर बनाओ, रेसिस्टर बनाओ, ठीक है, बना के एक ऐसे लो और एरो ऐसे बना दो, ऐसा ऐसा एरो बना दो, ये भी रियोस्टेट का सिंबल है बच्चों, ये भी रियोस्टेट का सिंबल है, ठीक है सर। रेसिस्टेंस हो गया, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं। रेसिस्टेंस क्या है सर? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेसिस्टर क्या है? ये डिवाइस है सर जो प्रोवाइड करता है रेसिस्टेंस को। रियोस्टेट क्या है सर? रियोस्टेट क्या है? ये क्या करता है? वेरिएबल रेसिस्टेंस की वैल्यू देता है सर हमें, अपने हिसाब से हम इसमें अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं सर रेसिस्टेंस की वैल्यू को, ठीक है सर। एक और नया सा टर्म पैदा होता है यहां पर बच्चों, वो है रेसिस्टिविटी। क्या है बच्चों? रेसिस्टिविटी। अब आप मुझे इस बात का जवाब दो कि हम लोगों को ये कैसे पता चला होगा, हम लोगों को ये कैसे पता चला होगा कि कॉपर की रेसिस्टेंस ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है, और एल्युमिनियम की रेसिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक। कॉपर में रेसिस्टेंस कम होती है ना, मतलब कॉपर में रुकावट कम होती है तो करंट अच्छे से फ्लो करता है, एल्युमिनियम में रेसिस्टेंस ज्यादा होती है तो करंट अच्छे से फ्लो नहीं करता, ठीक। अब एक बात बताओ, मैं आपको क्या करता हूं, एक कॉपर की वायर देता हूं, ठीक है, इतना बड़ा कॉपर का वायर है, ठीक है, ध्यान रखना, इतना बड़ा कॉपर का वायर है, और आपको मैं एक और कॉपर का वायर देता हूं जिसकी लेंथ जो है बच्चों वो थोड़ी बड़ी है, मान लो जिसकी लेंथ जो है वो कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, एक कॉपर का वायर है वो इतना लंबा है कॉपर का वायर, ठीक है, और एक एल्युमिनियम का वायर, चलो एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम का वायर है जो बिल्कुल इतना इस मार्कर के इतना बड़ा है, ये एल्युमिनियम की वायर है, ध्यान रखना ये एल्युमिनियम की वायर है सर, ये एल्युमिनियम की वायर है, ठीक है, और ये क्या है, ये कॉपर की वायर है, ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है, आप बताओ किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी,
जवाब दो, किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी? आप बोलोगे सर रेसिस्टेंस ज्यादा, वैसे तो कॉपर की रेसिस्टेंस कम होती है, अच्छा करंट फ्लो करता है। एल्यूमिनियम की रेसिस्टेंस ज्यादा होती है, आप बोलेगा फट से, कोई भी बच्चा बोलेगा सर एल्यूमिनियम की रेसिस्टेंस ज्यादा, कॉपर की रेसिस्टेंस कम। लेकिन अब मैं पता है क्या कहूंगा, अब मैं कहूंगा कॉपर की रेसिस्टेंस जो होती है बच्चों, यहां पर कॉपर रेसिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर एल्यूमिनियम की रेसिस्टेंस क्या है, कम है, यहां पर एल्यूमिनियम की रेसिस्टेंस कम है। अब सर ये कैसे हो गया? यहां से एक बात का पता चला कि जो रेसिस्टेंस है ना बच्चों, रेसिस्टेंस वो लेंथ ऑफ कंडक्टर को भी से भी मैटर करता है, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर से भी उसको फर्क पड़ता है। रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा दोगे। इसका मतलब है सर कि जब पहली बार किसी ने रेसिस्टेंस पता किया होगा, कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्ड किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टेंस पता किया होगा पहली बार किसी ने, तो उसने क्या किया होगा, उसने हर कंडक्टर की लेंथ फिक्स की होगी। पहले हर कंडक्टर को उसने एक एक मीटर, मान लो एक एक मीटर से दैट एक एक मीटर लंबा लिया होगा, यानी उसकी लेंथ एक मीटर रही होगी और उसकी थिकनेस मोटाई भी एक जैसी रही होगी बच्चों। तो ध्यान रखना, जैसे हर वायर को, तीन चार वायर लिया आपने, तीन चार वायर लिया, ध्यान देना प्लीज, इस बात को ध्यान देना, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, और हर वायर की लेंथ बच्चों कितनी है, 1 मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। फिर से मैं बोल रहा हूं, लेंथ कितनी है, 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसे वायर की रेजिस्टेंस, इसकी भी रेजिस्टेंस फाइंड करो, 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 और इस कंडीशन में जो सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक नया नाम देंगे, उसको बोलेंगे रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे। रेसिस्टेंस बोलने से समझ नहीं आता सर, वायर कितनी बड़ी है, वायर की लेंथ कितनी है, उसकी रेजिस्टेंस कैसे ली हमने, ठीक है, तो हम क्या लेंगे उसका नाम, रेसिस्टिविटी। क्या नाम लेंगे, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी मतलब क्लियर हो जाता है, रेसिस्टिविटी बोलने से क्लियर हो जाता है अपने आप में, अच्छा वायर की लेंथ 1 मीटर होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। क्या क्लियर हो जाता है, रेसिस्टिविटी वर्ड बोलने से ही क्लियर हो जाता है कि वायर की लेंथ 1 मीटर होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, उसकी थिकनेस मतलब 1 मीटर, ये थिकनेस कहलाती है, इसका एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा लगभग, मतलब ये इन्होंने एक अजम्पशन ले लिया है। तब ऐसे रेसिस्टेंस का नाम क्या पड़ जाएगा, रेसिस्टिविटी पड़ जाएगा बच्चों, क्या पड़ जाएगा, रेसिस्टिविटी। तो जब कभी भी रेसिस्टिविटी की बात आएगी तो क्या होगा, इट इज द रेसिस्टेंस, क्या है रेसिस्टिविटी सर, कुछ नहीं, इट इज द रेसिस्टेंस, बस कंडीशन है सर यहां पर, थोड़ा सा क्या है, कंडीशन इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर, एंड थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर। क्या है भाई रेसिस्टिविटी, क्या होती है, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर, इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। आपको बच्चों ये बताओ कि चारों टॉपिक यानी चारों वर्ड में कोई डिफरेंस पता है ना, मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको इसमें, ध्यान रखना कंफ्यूजन ना रहे, बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो इन चारों वर्ड को स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लेना, चारों वर्ड को ध्यान से पढ़ लो। रेसिस्टेंस एक एक वर्ड में बताते चलो, रेसिस्टेंस क्या है सर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, प्रॉपर्टी है सर, नेचुरल प्रॉपर्टी है, ठीक है सर। अच्छा SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है सर, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। डिवाइस का नाम क्या, रेसिस्टर एक डिवाइस है सर जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है सर, ठीक है। रियोस्टेट सर वेरिएबल रेसिस्टेंस है सर, अपने हिसाब से उसको घटा बढ़ा सकते हैं सर, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है सर, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, पर यहां पर कंडीशन है कि वायर की लेंथ जो है ना 1 मीटर होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना, तो ऐसे वायर की रेजिस्टेंस का नाम क्या पड़ जाता है, रेजिस्टिविटी पड़ जाता है बच्चों। और रेजिस्टिविटी के SI यूनिट जो होती है बच्चों, वो होता है ओम मीटर। SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, यहां ओम है रेजिस्टेंस की SI यूनिट, यहां ओम मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। और रेजिस्टिविटी को इंडिकेट करते हैं एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर से, जिसको बोलते हैं रो, ऐसा पी ऐसे बना देते हैं, ऐसा पी बनाओ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रो, क्या बोलते हैं इसको, रो। तो ये था बच्चों रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, रियोस्टेट, ठीक है, और रेसिस्टर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया या थोड़ा बहुत भी समझ में आया, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, दिल से कोशिश की है, सीरियसली बताऊं, तो आप प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो, और ऐसी मजे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो, आप मैं गारंटी देता रहा हमेशा कि आई गारंटी हो कि आपके क्वेश्चन में एक भी, आपके क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसका लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, मतलब लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की। और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको, शेयर भी करते रहो फ्रेंड्स से, ठीक है, और शेयर करोगे इससे क्या होगा कि दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी, क्या पता उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं तो मेहनत से पढ़ते रहिए, थैंक यू।